नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में आज जीएसटी विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही की, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने दुकान के गोदामों में जाकर सारे दस्तावेजों की छानबीन की। वहीं डिप्टी कमिश्नर पुनीत तिनियोती ने बताया कि एक फर्म द्वारा इस वर्ष कोई भी रिटर्न जमा नहीं किया गया है, जिसके तहत उनकी दुकान व गोदामों में रखे सामानों की जांच की गई। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। झांसी में ऐसे कई व्यापारी हैं जो जीएसटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी विभाग द्वारा आने वाले समय में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मैं पुनीत अग्निहोत्री, डिप्टी कमिश्नर एसआईबी स्टेट जीएसटी से हूँ। सर, आज आपकी टीम में छापेमार कार्रवाई कर रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है अब तक, तो क्या सामने आया है? एक फर्म है जो पान मसाला और सिगरेट की खरीद बिक्री में इन्वॉल्व है, उनके द्वारा रिटर्न नहीं दाखिल किया गया इस वर्ष कोई भी। इस आधार पर उनकी जाँच की जा रही है और बाकी जाँच के बाद जैसी भी होगी उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जाँच जारी है। कितनी टीमों के लोग लगे अभी यहाँ पे? करीब हमारे पास दो असिस्टेंट कमिश्नर मोबाइल स्क्वाड के और उनके साथ में चार सीटीओ और पुलिस फोर्स वगैरह सब लगा हुआ है। अभी इनके जो भी स्टॉक है, उस स्टॉक ट्रैकिंग की जा रही है, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी दुकानों, कितनी गोदामों पे? एक ही फर्म है, इसके एक दुकान है और दो गोदाम है। इसकी पेनल्टी तय होती है किस आधार पे? क्या हैं वो जो माल पाया गया है उसके संबंध में जो स्टॉक देते हैं, जो स्टॉक से कम पाया गया तो उसकी बिक्री मानी जाती है। कोई स्टॉक अगर एक्स का डिटेल नहीं दे पाते हैं तो वो सीज करके पेनल्टी की कार्रवाई जीएसटी की धाराओं के अंदर की जाती है। सर, और भी फर्म है जो इस रडार पर है, जिनका अभी तक जमा नहीं हुआ? अभी ऐसे कोई रडार पे नहीं है, सिर्फ सामान रूटीन जांच है। लेकिन ये सामने आया है कि झांसी में बहुत से व्यापारी जीएसटी के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों को नहीं, अभी ऐसा कोई हम बता नहीं पाएंगे, अभी चल रहा है हमारी कार्रवाई। तो और भी सभी ट्रेड, ये तो एक ट्रेड है, और भी कई ट्रेड में, और ये है कि व्यापारी जो है बिल सामान्य तौर पे जो प्राइमरी रिपोर्ट में पाया गया, पूरे शहर का एक सर्वे कराया गया, सामान्य तौर पे हर व्यापारी बिल जारी नहीं कर रहा है कस्टमर को। ये आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और विभिन्न क्षेत्रों में भी जांच होगी ट्रेड।